ये जो आखिरी दो इंसान आपके सामने खड़े हैं, इनको आखिरी में क्यों बुलाया गया मैं आपको बता दूं, या इन्हें आखिरी के लिए बचा के क्यों रखा गया था मैं आपको बता दूं, क्योंकि यही वो दो इंसान थे जो सबसे पहले आए थे, और आज यही एक कारण है कि इन्हें सबसे आखिरी में बुलाया जाता है। और सबसे पहले कैसे आए थे, अगर आज ये इतना सब कुछ आप देख पा रहे हो, ये पूरा इतना बड़ा सेमिनार, इतने सारे लोग स्टेज पर जो शायद आपको अपनी बहुत ही अचीवमेंट के बारे में बता रहे थे, ये सब कुछ पॉसिबल ना हो पाता अगर ये दोनों दोस्त आज से कुछ समय पहले एक छोटी सी शुरुआत ना करते। आज वो छोटी सी शुरुआत थी जब दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ये बात बोली, आज भले ही हम दो क्यों ना हो, एक दिन हजारों हमारे पीछे खड़े होंगे। और ये जो विजन था ना उनका, आज ये रियलिटी बन चुका है, सबूत आपके सामने है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर जो इनकी बातों में आपको समझ में आ जाएगी, एक एक करके आपके सामने बुलाने वाला हूं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पर्सनालिटी है, मतलब मैं इनको बुलाने से पहले क्या बोलूं, मतलब मुझे समझ नहीं आता। मैं इंडिया में बहुत लोगों को बुलाता हूं स्टेज पर, बट आज इस बात पे बैट लगा सकता हूं, इस इंसान को ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देख लेना, अगर एक कमी भी आपने इस बंदे में निकाल ली, आपके पैरों के नीचे से निकलने को तैयार हूं। ये मैं कमिटमेंट दे रहा हूं। यू टॉक ऑफ मनी, यू टॉक ऑफ एक्सपीरियंस, यू टॉक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू टॉक ऑफ पर्सनैलिटी, यू टॉक ऑफ फैन फॉलोइंग, दिस पर्सन हैज एवरीथिंग, दिस पर्सन सीरियसली हैज एवरीथिंग। और आज अगर इंसान को मैं कहूंगा ये शब्द तो कुछ भी नहीं है माने के लिए, ये इंसान जब एक छोटी सी फोटो डालता है ना सोशल मीडिया पे, मेरे दोस्त दहल का मच जाता उस टाइम पे, तो खैर 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 खैर, बट आप इस इंसान ने अपने काम से ये प्रूव करके दिखाया है दैट ही इज द बेस्ट, एंड ही इफ आई टॉक अबाउट ऑल इंडिया, अगर पूरे इंडिया के टॉप थ्री परफॉर्मर्स की बात की जाए तो एक इंसान आपके सामने आने वाला है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम द हाफ ऑफ सीआईडी एक्टर मिस्टर शशांक काली आनंद सिंह। वंडरफुल, शुरुआत नाम से ही करूंगा, नाम बताऊंगा नहीं, एक छोटी सी चीज बोलूंगा वो ये कि हर एक इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ उसमें और हम में सिर्फ एक बहुत कॉमन सी चीज है, वो ये कि जब आप पैदा हुए थे तो आपका नाम रखने का हक आपके माँ बाप को था, मेरा नाम रखने का हक भी मेरे माँ बाप को था, वो नाम रखने की चॉइस किसी और इंसान को नहीं मिलती, अगर मिलती तो शायद हम अपना नाम वो ना रखते जो आज हमारा नाम है। अगर मैं बात करूं, यस आई वॉज बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली, आप में से भी बहुत सारे लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, अगर ये चॉइस भी हमें मिलती तो शायद ये चॉइस भी हम अपनी मर्जी से रखते कि किसी दूसरी कंट्री में पैदा होने का, हम अपने आप आगे वो चीज रखते। इफ बोलते ना यस आई वॉज बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली, बट यस ये सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस थी, और ये सारी की सारी आप लोगों की भी चॉइस है कि आई वॉज बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली, बट यस आई विल नॉट डाई इन मिडिल क्लास फैमिली, ये मेरी चॉइस थी। अगर मुझे लग्जरी गाड़ी चलानी है वो मेरी उस जॉब से नहीं आएगी, क्योंकि एक इंसान ने एक कागज को बनाया है, एक कागज ने एक इंसान को नहीं बनाया, और मैं किसी कागज को इतनी औकात नहीं देता कि वो मेरी वर्थ कैलकुलेट करे कि मैं अपने आप को 20,000 में बेचूं, 25 में बेचूं, 30 में बेचूं, 50। मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे बोला कि कोई साथ नहीं देगा, इस उम्र में बच्चे हुक्का मारना पसंद करते, माँ बाप के पैसों पे ऐश करना पसंद करते, मैंने पलट कर जवाब दिया, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है और कोई साथ चले या ना चले जिंदगी में अकेले चलना मुझे आता है। मंजिल तो अभी ली जाएगी, चाहे भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो अपने घर से निकले ही नहीं। वंडरफुल,
उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सब को यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। उनको इज्जत देना आता है लड़कियों को, उनको इज्जत देना आता है माँ बाप को, उनको इज्जत देना आता है। एक समय था जब साथ किया और बोला एक दिन लाके दिखाऊंगा, जब जहां पे पहुंचना होगा ना वहां पहुंचू या ना पहुंचू उससे पहले मेरा नाम वहां पे पहुंच जाएगा। तो लोगों ने पता क्या बोला, अरे जाना क्या मजाक करता है। फिर मैंने बोला कि एक दिन आएगा एक इंसान अपने आप को क्वालिफिकेशन के बाद एक 25-30 साल की उम्र के बाद कामयाब बनाता है, इस उम्र के अंदर अपने आप को कामयाब बना के दिखाएगा क्योंकि फीलिंग तो इस उम्र में है ना। तो उसने बोला अबे जाना क्या मजाक करता है। जब मैंने बोला कि मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी अपने मेरे ऊपर हर एक चीज, अपने सपने मारकर मेरे सपने पूरे करने के लिए मेरे ऊपर सारा पैसा लगा दिया जो बचपन से अभी तक पागलों की तरह उन्होंने जॉब में कमाया, तो मैं अपने पेरेंट्स को उन 5-star होटल्स में लेके जाऊंगा जहां आज भी हर एक इंसान का सपना होता है। तो लोगों ने पता क्या बोला कि अरे जाना क्या मजाक करता है। जब मैंने बोला कि मेरी क्वालिफिकेशन के बाद एक कागज मेरी औकात डिसाइड नहीं करेगा, एक एक महीने के 2-3 लाख रुपए कमाना मेरे लिए आम बात होगी, तो उन्होंने मुझे बोला अबे जाना क्या मजाक करता है। जब मैंने बोला इस उम्र में एक लग्जरी गाड़ी चलाने का दम रखूंगा, तो उन्होंने बोला अबे जाना क्या मजाक कर रहा है, मगर हाँ इतनी औकात रखता हूँ कि आज वही इंसान सामने शीशे के सामने खड़ा होकर बोले ना क्या मैं तुझसे अच्छा बन के दिखा सकता हूँ, तो शीशा बोलेगा अबे जाना क्या मजाक करता है। जब हम बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन लेके एक कंपनी में जाएंगे ना, तो सामने वाला इंसान एचआर मेरी औकात क्या बताएगा जो खुद किसी और के टुकड़ों पे पलता है, उसको मैं इतना हक नहीं देता। अगर मैं उस क्वालिफिकेशन को लेने के बाद कहीं जाता और मैं बोलता कि आई हैव डन माय दिस क्वालिफिकेशन, आई गॉट दिस परसेंटेज, मैंने ये परसेंटेज अचीव करी है, मैंने ये सारी चीजें अचीव करी है, तो क्या मुझे जॉब पे रखेंगे आप? और सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरी डिग्री नहीं, क्योंकि उसे पता है डिग्री लेके तो आया होगा तभी सामने बैठा है, एक इंसान पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कॉम स्किल्स, ये सारी चीजें भी मैटर करती है, क्योंकि सिर्फ डिग्री के साथ साथ वो सारी चीजें भी देखता है, और वो सारी चीजें कोई कॉलेज में या स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, ऐसे प्लेटफॉर्म एक इंसान को देते हैं, ये बात ध्यान रखना। और यू वॉन्ट टू बिकम रिच और यू वॉन्ट टू बिकम वेल्थी, मैं जानता था पढ़ाई करने के बाद कुछ ना कुछ पैसे या कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा यार, डेफिनेटली करूंगा, इतना मुझे विश्वास था। ऐसी क्वालिफिकेशन मैंने भी ली 7-8 लाख रुपए, मैंने भी माँ बाप के उड़ा दी, ये कॉन्फिडेंस था। बट हाँ ये मुझे पता था कि मैं आपको भी एक मैसेज दूंगा कि यू वॉन्ट टू बिकम रिच और यू वॉन्ट टू बिकम वेल्दी, ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रिच वो होता है जो पढ़ाई करने के बाद कभी ना कभी जाके पैसा तो कमाता है बट उसके पास समय नहीं होता, और वेल्दी इंसान वो होता है जो पैसा भी कमाता है और इतनी वक्त रखता है कि अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी सके। वो मैं बनना चाहता था, यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग होंगे, पहले ड्रीमर, दूसरे विजनरी। कुछ लोग होंगे आप में से जो ड्रीमर होंगे, जो सपने तो देखते होंगे, दिन रात देखते होंगे, उठते जागते सोते देखते होंगे सपने, बट मेरे दोस्त सोचना, थिंक वंस कि क्या वो सपनों पे पंख लगने वाला है, क्या वो सपने हकीकत में पूरे होने वाले हैं। आप में से हर एक इंसान सपना गाड़ी का लंबोर्गिनी या ऑडी या बीएमडब्ल्यू से कम नहीं बोलेगा, एक इंसान हाउस स्विमिंग पूल वाला ही बोलेगा, मगर क्या वो पढ़ाई से आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा, जस्ट थिंक वंस। पहला इंसान जो ड्रीमर है, जो ड्रीम देखता जाएगा और मर जाएगा, और दूसरा इंसान होता है विजनरी, जो तब तक मेहनत करेगा जब तक वो सपना पूरा करके यहां ना खड़ा हो जाए। थैंक यू सो मच, दिस इज किसान।